इंटीग्रेशन करना है 2 e 2 log x minus 9 और e की पावर 2 log x plus 9 का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। केवल आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जब 2 है log के आगे लिखा हुआ है तो कहां चला जाएगा, ऊपर, log इंटीग्रेशन e की पावर log एक्चुअली पावर 2 minus 9 और एज इट इज यहाँ पे भी इसके अंदर भी ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा, क्या हो गया आपका dx। अब ये फार्मूला है e की पावर log x की पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस 9 अपॉन में x की पावर 2 प्लस 9 भी x। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस 9 लिखा हुआ है तो हमने इसको प्लस 9 माइनस 18 कर दिया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 1 नहीं सेपरेट, इस वाले को इधर वाले को इधर डिटरमिनेंट जो है इतना सेपरेट कर देते हैं, उसका उधर डिटरमिनेंट सेपरेट कर देते हैं। तो क्या करा हमने, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इधर क्या हो जाएगा माइनस 18 अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो दोनों का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये बाहर आ गया, इससे कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, तो ये 1 dx माइनस यहाँ पर 18 मारा जाएगा ओवर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये dx हो गया। अब 1 का dx करेंगे तो एक्स डायरेक्ट यहाँ पे इसको एक्स लिख सकते हैं माइनस 18। अब यहाँ पे 18 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर जो किसके आएंगे 10 की है 10 इनवर्स की, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 10 इनवर्स एक्स अपॉन 3 और 3 से 18 16 एक्स माइनस 6 10 इनवर्स एक्स अपॉन 3। ये क्वेश्चन में क्या करना है, इसके सबसे पहले जो आगे 2 लिखा हुआ है इसको पावर के अंदर पावर लगाना है, e की पावर log x स्क्वायर को आपको x स्क्वायर लिखना है दोनों जगह पे, फिर यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है माइनस 9 को प्लस 9 माइनस 18 लिखना है, जैसे आप इतना लिख दोगे तो फिर डिनोमिनेटर सेपरेट करके आप सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 का होने 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 10 इनवर्स x अपॉन 3 हो जाएगा, क्लियर है। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 30 dx। देखो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन डबल dx लिखा है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 dx, इसका आपने को इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आप इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, है ना, नहीं है, यदि आप इसको सॉल्व करते भी हो तो इसके फैक्टर होंगे नहीं होंगे, फैक्टर भी नहीं होंगे, तो हम इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 into 3x कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी कौन है इसमें 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखते थे प्लस 9 माइनस 9 करना क्योंकि आपने प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा प्लस 13 इज़ इट, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सॉल्व करेंगे तो अब इसको यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली कि 1 अपॉन में क्या है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है प्लस 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2 एक्स माइनस 3 को टी कंसिडर क्या कंसिडर कर रहा हूं तो डीएक्स की वैल्यू निकलेगी एक्स का डीएक्स 3 का 0 और टी का डी तो डीएक्स इक्वल डीटी हो गया, समझना इंटीग्रेशन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस 3 का आपने टी कंसिडर किया है तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2 का स्क्वायर और dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट अब यहाँ पे dx है dx की जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पे dt कर देंगे,
तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ए स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला एट वाला, तो वन अपॉन टू टेन इनवर्स टी अपॉन टू आ गया प्लस सी हो गया। अब वन अपॉन टू टेन इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी टी की वैल्यू क्या कैंसिल कर रहा था, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू प्लस डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाता सर,